वफाक खां पोए पंजाब में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत जो खात्मो हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट खड़ी पंजाब जो नो वो वजीर चूंजी वो मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ तरफा वोटिंग जो बायकॉट परवेज जिलाई को भी वोट न खड़ी सको नए वे वजीर हमजा शहबाज शरीफ उस्मान बोजदार के वो वजीर बनाण सूबे खिलाफ साजिश करार दई छो नो स्पीकर आण जो भी ऐलान संदस चवणा है इमरान खान हुकूमत दोस्त मुल्क के नाराज किया तोशा खाना जो हिसाब देने लाए तैयार ना है 7000 मेगावाट बिजली सिस्टम में निकली वही है 50 लाख घर देण जो वायदो भी पूरो न थियो नई वरी नौकरी डी वही है उस्मान बोजदार के वो वजीर बनाण सूबे खिलाफ साजिश कई वही ऐवान में जमहूरी रवायतों की लताड़ कई वही है हाँ मजाक खत्म ए जमहूरियत मजबूत थन्दे डिप्टी स्पीकर से हमलो कर मदद तशद किया आईनी नमूने घुराल इजलास में विगोड़ कर अदालत की तोहिन कई वही समूर शयन बावजूद जमहूरियत कामयाब थी है पंजाब के नए वे वजीर की चूंड दौरान पंजाब असेंबली जंग जो मैदान हुकूमती मेंबर जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से हमलो लतुन मुकुन लोटन जो वसकारो फर्श से लेतराए वेशाणो तशद ऐवान अंदर पुलिस अहलकार से भी चकरियों केतरा ही एमपीए गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून बागी मेंबर की मुबैना तशद में स्पीकर परवेज इलाही जख्मी विगोड़न दौरान डिप्टी स्पीकर मेगाफोन जरिए इजलास की कार्रवाई हलाई पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही जहा हथ मथे खड़ी मथस हमलो कदड़न के पिटू ए पारा था सदस चवणा है तो साणस जुल्म की इंतहा कई वही है शहबाज शरीफ के इशारे से मथस हमलो कर कतुल करने की कोशिश कई वही है सब कुछ हमजा शहबाज शरीफ के इशारे से थो स्पीकर से कदें अड़े किस्म जो तशद किया है अदालतों रुगो रात जो अमीर ला खुलंद उन ला का भी अदालत ना है शरीफ बाहर के परे वे उन हमजा जो ख्याल किया पर संद कें भी सार न लधे डिप्टी स्पीकर मथा औरतुन से तशद कराण तमलो किया 2018 में फुरियल मैंडेट पंजाब के वापस मिली वो है पंजाब की तरक्की जो सफर उतार शुरू कबो जिता खत्म थो पंजाब जहा भायरो भेनरू तवान जो हक तवान के जरूर मिलंदो तवान जो हक लाहौर में हलंदर मालगाड़ी जरिए बनी गाला मुंतकिल न थिंदो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो ट्वीट तहरीक इंसाफ तरफा सिंध की राजधानी कराची में सियासी ताकत जो मुजाहरो पिंडाल तैयार अगूणो वजीर आजम इमरान खान ए बिया अगवान जलसे के खिताब करे रहा है मुल्क घरू वेहजे बिल्कुल वेझो है इमरान खान तमाम घने सब्र जो मुजाहरों किया है कप्तान मछरियल माओं के रोके न सो मुल्क में विगोड़ थिया तो इंपोर्टेंट लीडर के मुल्क छड़ने की इजाजत न मिलंदी फवाद चौधरी अगूणो वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बिना मुकाबले कौमी असेंबली जो स्पीकर चूंडी वो तहरीक इंसाफ मेंबर जो इस्तीफाओं मंजूर करने जो फैसलो काल अदम करार संदस चवण है तो तहरीक इंसाफ मेंबर जो इस्तीफाओं हथ से लिखल जी रूल्स खिलाफ हैं स्पीकर के मिलल इस्तीफाओं की एक एक कर तस्दीक न थी है पीटीआई मेंबर की इस्तीफाओं से रूल्स मूजिब कार्रवाई कई वी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार जो चवण है तो मुल्की इदारा आईनी किरदार तरफ वधी रहा है आईन की हिफाजत ताई पान के मोहब वतन पाकिस्तानी करार दई नथो सजे समूरा इदारा अवाम वजीर आजम शहबाज शरीफ तरफ डिसी रहा है मुल्क में आईन ए जमहूरियत से हथ चुरान कई वही पीपी की क्यादत शहादत कबूल कई पर आईन से कें भी किस्म की सौदेबाजी न कई कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बेतमाद रिथ के मुंह डेण बदरा इस्तीफा दई छी कासिम सूरी की इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटरी से मिली वही डिप्टी स्पीकर के इस्तीफा का बेतमाद रिथ से वोटिंग की जरूरत न होंगी मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब है तो गैर आईनी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भन कई थी डिप्टी स्पीकर खिलाफ आर्टिकल 6 लागू थे घुर्जे पीटीआई मेंबर जो इस्तीफाओं एक ही फॉर्मेट तहत तैयार कई व्यू हैं बेतमाद रिथ का डिप्टी स्पीकर वे इस्तीफाओं मंजूर करने जो अख्तियार ही ना है पीपी तरफा वफाकी काबीना जो हिस्सों न बणजण जो फैसलो मुझो ख्याल है तो पीपल्स पार्टी वजारतू न वी रही है
असा कोशिश करे रहा हूं तो वजारतू न वरतू वन असा चाहूं था तो दोस्तन के पेरों एडजस्ट कर वे अगू सदर आसिफ अली जरदारी। कौमी असेंबली में भी पंजाब असेंबली अंदर थे विगोड़न की गूंज। पंजाब स्पीकर के डिप्टी स्पीकर से हमले खिलाफ मजहमदी छारा मंजूर। ख्वाजा आसिफ जो चवण है इमरान खान ए परवेज इलाही गैर कानूनी तौर कुर्सी से चिंबड़ियल रहन चाहन था। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के चमाट हई वही है आईन की बारादस्ती हुए गुंडागर्दी की इजाजत न होनी घुर्जे। इलेक्शन कमीशन तरफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ला सिक्योरिटी तलब। इलेक्शन कमीशन का चवण है तो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के नजर में रखंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिक्योरिटी दिनी वे संदस घर इस्लामाबाद का बाहर सफर दौरान सिक्योरिटी दिनी वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भर पास शकी मांग के दिखो वो है। नाले वाले समाजी अगवान अब्दुल सत्तार ईदी की वनी बिल्किस ईदी कराची में मिट्टी मां हवाले जनाजे नमाज में सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह समेत सवे शहर की शिरकत। सरकारी सतह के आखिरी रस्म में पुलिस के जथे तरफा के सलामी पेश सिंध सरकार तरफा सोग मल्हायो वियो। हफ जबान शाहर हजरत सचल सरमत के 201 उर्स मुबारक जो तकरीबू जारी। अगूणे वे वजीर कायम अली शाह फयाज बुट बेन की मजार से हाजिरी दुआं घुरी व्यू। एवार्ड तकरीब में अदीबन सुगड़न में फनकार में सचल एवार्ड विराय व्या। सूफी सुंग सचल या कलाम बुधाए माओ के झुमाए छो सिंध की कुंड कुछ में पांधीरन की आवत हर पास हक मौजूद सदाऊ। दादू की अदालत मेहड़ वाके बाब केस की बुधनी 23 अप्रैल तीन मुलतवी। उम्मीद रुबाब चांडियो जो चवण है इंसाफ में देर थी रही है चार साल गुजरण बावजूद असल केस न हली सको है। तंगवाणी वेझो बुगती बिरादरी में तकरार था बजणा कतल चार जणा जख्मी। पट फीडर वे इलाके में बुगती बिरादरी के झेड़े दौरान फायरिंग में शेर अली हबीबुल्ला बुगती मारज व्या। घोटकी बेजो जमीनी तकरार से हथियार बंदन की फायरिंग में एक जनो मारी गयो व मानू मरणी वाके सबब इलाके में छिगदा। अगूणे क्रिकेटर आकिब जावेद रमीज राजा के अहदे से इस्तीफा देने जो मशवरो दे संदस चवण है क्रिकेटर होण या न होण से को फर्क न थो पवे एडमिनिस्ट्रेशन पावर होण घुर्जे। रमीज राजा के अहदे से इस्तीफा दई घर हलो वण घुर्जे।